हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारंग। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे फुट ड्रॉप के बारे में। फुट ड्रॉप के अंदर होता क्या है कि जब पाँव का अगला हिस्सा, उसके जो मांसपेशियाँ काम करना बंद कर जाएँ, तो फुट जो ऊपर की तरफ हम नहीं खींच पाते हैं, उसको फुट ड्रॉप बोला जाता है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। ट्रीटमेंट में हम लोग करते क्या हैं, हम आधुनिक कम से कम चीरे वाली टेक्निक से हम लोग मांस का टुकड़ा ट्रांसफ़र करते हैं। आगे आप देखेंगे कि मिस्टर मोहित, जो कि एक रेसलर हैं बाय प्रोफेशन, जिनको घुटने के अंदर चोट लगी थी, जिसके बाद उनका फुट ड्रॉप हुआ था, तो बहुत टाइम से वो तकलीफ़ में थे। फिर हमने उनका टेंडन ट्रांसफ़र, जो कि बिल्कुल ही कम से कम चीरे से हमने किया, जिसके बाद वो नॉर्मली अपना चल पा रहे हैं। वो आगे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मोहित है, मैं हरियाणा पानीपत से हूँ। मुझे 7 महीने पहले इंजरी हो गई थी खेलते टाइम, तो ACL टूट गया था मेरा, यहीं पे ऑपरेशन करवा था ACL का भी, तो साथ के साथ फुट ड्रॉप भी हो गया था। तो फिर 6-7 महीने वेट किया, तो फिर डॉक्टर चंदन नारंग से मिले, उन्होंने बताया कि ये फुट ड्रॉप है, तो फिर उन्होंने सर्जरी की। 1.5 महीना हो गया मेरी सर्जरी को, आज मैं चला था तो काफ़ी पहले से बेटर फील कर रहा था। मैं डॉक्टर चंदन नारंग का धन्यवाद करता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल का भी। अब मैं सेटिस्फाई हूँ अपने ऑपरेशन से, बिल्कुल नॉर्मल चल पा रहा हूँ मैं अब।